नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है इस नाम का व्यक्ति। ये दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ये आपके जीवनकाल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये दोस्तों इतने बड़े दुश्मन हैं कि दोस्तों ये आपको जान से भी मारने तक पीछे पड़े रहते हैं। ये दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये चाहते हैं कि कब आपका खात्मा हो जाए और ये आपकी जगह पर राज करे। तो दोस्तों, यह कौन सा लोग है या कौन सा व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ा है, जो आपको मारना चाहता है, जो आपके पर तांत्रिक क्रियाएं भी करवाता है? बहुत सारे सवालों को जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं कि आखिर आपने इनका क्या बिगाड़ा है जो ये आपको इतने बड़े दुश्मन मानते हैं। किस प्रकार आप इस इंसान से बच सकते हैं, कौन से उपाय को करना चाहिए, कौन से कार्य करने से इन व्यक्तियों से आपको छुटकारा की प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसलिए दोस्तों हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से, जो कि दोस्तों आप सभी को अपने जीवनकाल में याद रखने हैं। दोस्तों, ये बातें आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, इन बातों को आप बहुत ही ज़्यादा गौर से सुने कि दोस्तों, चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। जी दोस्तों, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवनकाल में इन बातों को बहुत ज़्यादा याद रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें कि दोस्तों ये बातें आप सभी के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं कि यह व्यक्ति कौन है जो कि आपके पीछे दुश्मन से भी बढ़कर दुश्मन वाली कार्य कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने जीवनकाल में बहुत ही सफल इंसान बनने की सोच रखते हैं। जो भी आपके मन में आते हैं दोस्तों, आप कभी भी उन्हें मन में दबाकर नहीं रखते हैं। आप अपने परिवार के साथ बातों को तो शेयर करते हैं जो भी आप अपने जीवनकाल में चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इनके साथ ही साथ जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो भी आपके पास रहते हैं, जो भी आपके दिल के करीब हैं, दोस्तों आप भी उनसे अपने जीवन की जो भी बातें हैं, जो आने वाली क्रियाकलाप हैं, उन सभी की जो गुप्त बातें हैं, अपने जीवनकाल में आने वाले योजनाओं के बारे में सभी को बता देते हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह आपकी गलती है और इन्हीं के कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में जो भी समस्याएँ आ रही है यहीं से शुरुआत होती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, फिर दोस्तों धीरे धीरे आपके साथ रहकर उनका देखने का नज़रिया बदल जाता है और दोस्तों वे आपसे ही जलनशील की भावना से बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं और दोस्तों आप इन बातों को समय समय पर नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। दोस्तों, याद कीजिए कि पिछले समय अंतराल में भी आप सभी के जीवनकाल में ऐसे कई लोग आए हैं जो कि आपके साथ रहकर आपको धोखा भी दिए हैं और कोई ऐसा भी लोग है कि दोस्तों धोखा देने के बाद आपसे मिलने के ये बहुत ही प्रकार के जो है कार्य भी किए हैं, आपके सामने अच्छे बनने के कार्य भी वो लोग करते हैं और दोस्तों फिर आप अपने दिल को उनके आगे हार बैठते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को एक बार माफ कर अच्छा इंसान बन जाओ, लेकिन दोस्तों दोबारा उन पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों दोस्तों, जो इंसान जैसा था वह वैसा ही रहेगा, आप उन पर बिल्कुल ही यकीन ना करें। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में इन बातों का याद रखना है कि जो भी इंसान आपको जीवन में कभी भी धोखा दिए हैं, कभी भी आपको छल किए हैं, तो दोस्तों उस इंसान की आपको एक बार सिर्फ पहचान करना है और उनसे दोस्तों आपको दूर जाना है। जी दोस्तों, उनसे बात भी आपको नहीं करना है। जैसे दोस्तों आप उनको अपने जीवनकाल पे निकाल सकते हैं और दोस्तों
यही ऐसे लोग होते हैं जो दोस्तों आपके साथ रहकर आपके ऊपर छल करते हैं, आपके जीवन काल में एक प्रकार के टोने टोटके कराते हैं, जिससे दोस्तों आपको क्षति आपको नुकसान होते हैं। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है, गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए आपके जीवन काल में एक और ऐसी बात है जो कि आपके लिए सटीक है कि दोस्तों कोई भी इंसान जब आपसे कुछ रुपया मांगता है, जे दोस्तों कोई भी इंसान इमोशनल होकर आपसे कोई कार्य करने के लिए कहता है तो दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल भी ना नहीं कह पाते हैं। दोस्तों ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। जब भी कोई इंसान अपने दुख लेकर आपके पास आ जाते हैं तो दोस्तों उन्हें ना करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आप उनके पीछे की बात को छान भी नहीं करते हैं। दोस्तों कई बार ऐसे ही लोग हैं जो कि आपको धोखा देने के चक्कर में रहते हैं और फिर दोस्तों जब उनको आप पैसे दे देते हैं तो दोस्तों फिर कई दिनों के बाद आप देखते हैं कि दोस्तों आप उनकी नजरों में बुरे बन चुके हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है कि पैसे से लेन देन जल्दी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में पैसा बहुत ही अच्छा है तो एक तरफ बहुत ही बुरा भी है। जी दोस्तों, जहाँ पैसे हमारे जीवन की सभी इच्छाएं पूरी करती है, वहीं दोस्तों दूसरी ओर अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो दोस्तों हम चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना करे हो, हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं, वे हमसे नजरें चुराने लगते हैं। जितना आप पहले बात करते थे दोस्तों पीछे आप बात करना कम कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे जीवन की हालात हो जाती है। तो दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप दोस्तों इनमें कोई भी कार्य करते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत कार्य करते हैं, तो दोस्तों आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि अपने जीवन काल में कोई भी करीबी लोगों से पैसे की लेन देन बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो दोस्तों जहाँ तक हो सके आप समय उन्हें दे सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी और दोस्तों पैसे को लेन देन में आप बिल्कुल ही ना पड़े। तो दोस्तों इन बातों का आप अपने जीवन काल में ध्यान रखें कि दोस्तों ऐसी ही गलतियां होती है जो कि आपके जीवन काल में आप करते हैं और दोस्तों आगे चलकर वही गलती विशाल रूप धारण करके आपके जीवन काल में कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनते हैं। जय दोस्तों, और यही लोग आगे चलकर आप सभी के जीवन काल में टोटके भी करवाते हैं, भूत भी छोड़ते हैं, बहुत प्रकार की जो इनके ऊपर हो सकती है वे सभी कार्य आपके ऊपर ये करने लगते हैं। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। तो आए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि कैसे आप इनको अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हुई है, जो भी कठिनाइयां आपको मिली है, दोस्तों उन सभी को आप भूलने की प्रयास करें, कोई नई चीजों को पढ़ें, नए कार्यों को करें। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों ने आपके ऊपर छल किया है उनको ऊपर आप विश्वास बिल्कुल ना करें और दोस्तों आने वाले जीवन काल में जितना हो सके उनसे कम बात करने की प्रयास करें। इनसे दोस्तों आपके माइंड में इनका ख्याल आना कम होगा और दोस्तों आपके दिमाग में कोई और चीज आएगी जिससे दोस्तों आपका आकर्षण किसी और की तरफ बढ़ेगा। इस प्रकार दोस्तों आप इन बुरे व्यक्तियों को अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं और यही कारण है कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में अच्छी उपलब्धि भी इनसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर आपको इन बातों में सच्चाई लगी हो तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के कमेंट पढ़ते रहते हैं।